नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। वेंकटेश स्टार नरप्पा की रिलीज डेट भी बढ़ी आगे। कोरोना के चलते मेकर्स ने लिया ये फैसला। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर देश के हर कोने में देखने को मिल रही है, जिससे सभी लोग परेशान भी हैं। भारतीय सरकार इस महामारी पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें जल्द कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है। कोरोना की वजह से भारतीय फिल्मकारों ने अपनी आने वाली फिल्मों की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में साउथ सुपरस्टार वेंकटेश ने भी नरप्पा की रिलीज डेट पोस्टपोन करने का फैसला लिया है। फिल्म नरप्पा 14 मई के दिन बॉक्स ऑफिस पर एक कदम रखने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स इसे कोरोना महामारी का दौर खत्म होने के बाद ही रिलीज करने की सोच रहे हैं। वेंकटेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, नरप्पा एक ऐसी फिल्म है जिसे हमने कड़ी मेहनत से बनाया है। फिल्म को अब तक जैसा प्यार मिला है उससे भी हम काफ़ी खुश हैं। इन दिनों पूरे विश्व को एक संकट ने घेर रखा है और हम भी इसे अछूते नहीं हैं। देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और अपने दर्शकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए हम नरप्पा की रिलीज डेट आगे बढ़ा रहे हैं। हम नरप्पा को तब आपके पास लेकर आएंगे जब वक्त ठीक होगा। तब तक सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और मजबूत रहिए। मास्क जरूर लगाएं, घर पर रहें और सेफ रहें। नरप्पा तेलुगु भाषा में बनी सुपरहिट फिल्म असुरन की हिंदी रीमेक है, जिसमें धनुष भी दिखाई दिए थे। धनुष की असुरन को नेशनल फिल्म पुरस्कार भी से भी नवाजा गया था और दर्शकों ने भी इसे शानदार रिस्पॉन्स दिया था। फिल्म असुरन की बम्पर सफलता देखते हुए वेंकटेश ने इसे नरप्पा नाम से रीमेक बनाने का फैसला लिया था। नरप्पा के लिए वेंकटेश ने अपना कुल भी काफ़ी बदला है, जो सभी को प्रभावित कर रहा है। तो अब देखते हैं कि इस फिल्म की और कितनी बार रिलीज डेट आगे बढ़ती है। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।